निकालना सीखेंगे। लघुत्तम समापवर्त निकालने की प्रमुख विधियों में से एक है अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि में जिन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त निकालना है, पहले उन संख्याओं को हम लिख लेते हैं और प्रत्येक संख्या का अलग अलग हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड के लिए हम दी गई संख्या का छोटी से सबसे छोटी संख्या का गुणनखंड करेंगे उसमें, जिससे कि वह पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। जैसे कि 12 को गुणनखंड करने के लिए हमने 2 से विभाजित किया तो 6 आया, फिर 6 को 2 से विभाजित किए तो 3 आया, और 3 को फिर 3 से विभाजित किए तो 1 आया। इसी प्रकार 15 को विभाजित करने के लिए 3 से पहले विभाजित किए तो 5 आया, फिर 5 को 1 आ गया। ऐसे ही 45 को विभाजित करने के लिए पहले 3 से भाग देंगे तो 15 आएगा, 15 को फिर 3 से भाग दिए तो 5 आया, और 5 को भाग दिए तो 1 आया। इन संख्याओं के गुणनखंड को हम लिख लेंगे। जैसे 12 के गुणनखंड हुए 2 × 2 × 3, 15 का गुणनखंड है 3 × 5, 45 का गुणनखंड हुआ 3 × 3 × 5। हम यहाँ देख रहे हैं कि गुणनखंड तब तक हमको करना है जब तक कि संख्या अंतिम संख्या 1 तक ना आ जाए। इस तरह से इसको पूर्ण तरह से अब सभी संख्याओं में सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड लेंगे। यह गुणनखंड किसी भी संख्या में अधिक से अधिक जितनी बार आया हो उसे उतनी बार लिख लेंगे। जैसे कि सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड तीनों संख्याओं में 2 है, वह 2 है वो 12 में 2 बार आया है तो हम इसको 2 बार लिख लिए यहाँ पे। इससे बड़ी संख्या है 3 जो 12 में 1 बार, 15 में 1 बार, लेकिन 45 में 2 बार आया है, इसको लिख लेंगे हम। सबसे उससे बड़ी संख्या है 5 जो 15 में 1 बार आया है लेकिन 45 में 1 बार, उसको हम लिख लेंगे। अभाज्य गुणनखंड में जो सबसे छोटी संख्या सबसे अधिक बार आई है उसको हम लिखे हैं, तो दोबारा फिर दूसरी संख्या में भी यदि वही संख्या आई है तो उसको हम नहीं लिखेंगे। अधिकतम बार जो आई है गुणनखंड में संख्या सिर्फ उसी को लिखेंगे। तो इस प्रकार से इन तीनों संख्याओं का गुणनखंड हमको मिलता है 2 × 2 × 3 × 3 × 5, इसको गुणा करने पर आता है 180। तो इन तीनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त होगा 180। लघुत्तम समापवर्त में दी गई संख्या का पूरा पूरा भाग जाता है, और इस तरह से हम अभाज्य गुणनखंड विधि से लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कर सकते हैं। आज कक्षा 6वीं के ये बच्चे कुछ बातें बता रहे हैं मुझे जो कि लघुत्तम समापवर्त से संबंधित है, आइए देखते हैं। मैं हर दूसरे दिन टाइकांडो सीखने जाती हूँ। मैं हर तीसरे दिन टाइकांडो सीखने जाता हूँ। मैं हर पांचवे दिन टाइकांडो सीखने जाता हूँ। आज हम देखेंगे कि हम तीनों का मुलाकात किस दिन होता है। एक है वो हर दूसरे दिन जा रहा है, और एक है वो हर तीसरे दिन जा रहा है, और एक है वो पांचवे दिन। तो तीनों जब कोचिंग सेंटर में जा रहे हैं सीखने, तो वो तीनों की मुलाकात किस दिन होगी। यहाँ पे एक चार्ट बना है जिसमें 1 से लेके 30 तक की संख्याएं लिखी हुई हैं, जो महीने के 30 होते हैं महीने में, वे 30 दिन हैं। अब है जो हर दूसरे दिन जाता है वो 2 के गुणज में जाएगा, जैसे दूसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें, छठवें, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 और 30। और जो हर तीसरे दिन जाता है वो 3 के गुणज में जाएगा, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 और 30। इसी प्रकार जो हर पांचवे दिन जाता है वो 5 के गुणज में जाएगा, 5, 10, 15, 20, 25 और 30। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि तीनों बच्चे ताइक्वांडो सीखने जा रहे हैं, लेकिन उनकी मुलाकात है वो इन लोगों का, इन तीनों संख्याओं का लघुत्तम है यहाँ पे निकल रहा है, लघुत्तम समापवर्त है वो संख्या 30 है। हम देख सकते हैं कि ये तीनों गोटियाँ हैं वो संख्या 30 पे एक साथ रखी हैं, बाकी किसी भी संख्या पे ये तीनों गोटियाँ एक साथ नहीं रखी हुई हैं। तो इस प्रकार से हम बच्चों को बता सकते हैं कि
लघुत्तम समापवर्त किसी भी दी हुई संख्या का सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज है। इसको हम इस तरह से भी हल कर सकते हैं कि दो के अपवर्त, तीन के अपवर्त, पांच का अपवर्त और सभी के अपवर्त हैं, वो नंबर संख्या 30 है, वो तीनों का वह लघुत्तम समापवर्त होगा।